ओके सर, सो सबसे पहले तो वेलकम। एंड दीपक सर, आपको फिल्म कामयाब के लिए बहुत बहुत बधाई और ऑल बेस्ट विशेस। सो यू नो सर, जब एक फिल्म बनती है कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कास्टिंग डायरेक्टर पर, मुकेश सर आपके अकॉर्डिंग? और सिंस आपने अब जब इस फिल्म में कास्टिंग डायरेक्टर का किरदार निभाया है, तो क्या फर्क नजर आया आपकी सोच में, जो आप पहले सोचते थे कास्टिंग डायरेक्टर का काम होता है, और इस फिल्म में आपने कुछ अलग एक्सपीरियंस किया इस किरदार को लेकर? आई थिंक मेरे लिए बहुत मुश्किल और बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है कास्टिंग करना एक फिल्म के लिए, बिकॉज जब मैं बहुत सारे अलग अलग फिल्म मेकर के साथ काम करता हूँ, तो वो सब एक एक्टर के ऊपर अलग नजरिए से देखते हैं। किसी के लिए वो एक्टर का बहुत फेस बहुत इंटरेस्टिंग होता है, किसी का बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं होता, किसी एक्टर लगता है कि एक्टर है, किसी डायरेक्टर लगता है उसको एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती। तो बहुत ज़्यादा यू नो अलग अलग डायरेक्टर के साथ डील करना पड़ता है, तो मुझे उनके विजन को पूरा करने के लिए उनकी तरह के एक्टर को ढूंढना, उनके फिल्म के उस तरह के एक्टर को ढूंढना जो उनकी समझ के हिसाब से करेक्ट हो और उनके फिल्म के स्पेस के हिसाब से करेक्ट हो। हर तरह हर फिल्म मेकर अपने अलग तरीके से फिल्म बनाते हैं, विशाल तरह अलग तरीके से सोचते हैं, इम्तियाज अलग सोचते हैं, अनुराग कश्यप अलग सोचते हैं, यू नो तो राजू अलग सोचते हैं, तो सब नितेश तिवारी अलग सोचते हैं, तो अपने तरीके से सोचते हैं उनको किस तरह के एक्टर पसंद आएंगे, किस स्कूल के एक्टर पसंद आएंगे। तो ये शुरू में बहुत वक्त लगता है फर्स्ट फिल्म करने पे यार, क्योंकि फर्स्ट फिल्म में क्या होता है कि मुझे ऐसी कास्टिंग करनी पड़ती है जो कैरेक्टर के ऊपर नज़दीक हो। कई बार स्टैब्लिश एक्टर तो बात की बात है, लेकिन बिगनिंग में जब आपको पहली बार ऐसे एक्टर ढूंढने में, कभी कुछ काम नहीं किया, चाहे वो चिल्लर बाटे के बच्चे हो या दंगल के दो बच्चे हो, तो पहले हमको उनके स्पेस को समझना पड़ता है, फिर कास्ट करना पड़ता है। नहीं, इसी में सेम चीज़, जैसे इस किरदार को करते समय आपका हमेशा यही रहता था कि आप पहले कास्टिंग डायरेक्टर को माए बाप समझ लेते थे कि भाई वही कराएगा, और उसने मेरी कास्टिंग नहीं कराई तो ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ये मेरे साथ पार्शियलिटी कर रहा है। लेकिन जब इस किरदार को करते करते मैंने कहा नहीं यार, ये यही जो सेम मुकेश ने कहा कि इतनी वैरायटी की फिल्मों के डायरेक्टर्स का टेस्ट समझना और उसके अकॉर्डिंग कैरेक्टर भेजना, समझ रहे हैं? तो वो जो चीज़ है ये, और जो एक्टर हैं आपको जानते हैं वो नहीं समझेंगे कि भाई क्यों उस बंदों की रिक्वायरमेंट थी, क्यों इस तरह की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो। और इसमें बहुत लोगों को समझने की ज़रूरत है कि भाई वो कहीं भी नहीं भेज सकते ना आपको, जो जरूरत है। मतलब आप चाइनीज रेस्टोरेंट में जाके बोले भाई राजमा चावल दे दो, है ना, तो मुझे राजमा चावल खाना यही मंगाओ, तो वो ऐसे नहीं अड़ना चाहिए, क्योंकि समझना चाहिए भाई ये इस रेस्टोरेंट का एक वो है, एक नियम है, एक उसूल है, एक ज़रूरत है ना, जिस और एक ब्रांड है जिसकी वजह से लोग इस तरह से रिक्वायरमेंट लेकर आते हैं। तो इस फिल्म को करते समय मेरी सबसे बड़ी सिंपैथी जो है वो स्ट्रगलर्स जो एक्टर हैं उनके साथ तो है ही, प्लस कास्टिंग डायरेक्टर के साथ भी मेरी ही सिंपैथी आने लग गई है। मैं रोज डील करता हूं, अगर मैं जिसको कास्ट किया है उनको पता है मेरा दोस्त है, जो नहीं कास्ट किया वो मेरे दुश्मन है, क्योंकि उनका भी आई अंडरस्टैंड, वो जिस तरह के प्रेशर के साथ रोज गुजरते हैं जिससे मैं बहुत गुजरता हूं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रोल होते हैं और इतने कलाकार हैं। और मुझे लगता है कि एक्टर अच्छा बुरा नहीं होता, करेक्ट कास्टिंग होती है। आप किसी अच्छे एक्टर को गलत जगह कास्ट कर देंगे तो वो भी बहुत खराब लगेगा। अब उनको ये बात समझाते हुए, लेकिन आप 1-2-3 हज़ार लोगों की बात नहीं समझा सकते, अपना आप काम करते हो और उन एक्टर के साथ जिस एक्टर को जिस तरह के एक्टर पसंद है आप कास्टिंग करते हो और फिर आप गाने भी गाते हो वो आपसे नाराज भी रहते हैं और वो आपके दोस्त भी रहते हैं लेकिन आपके दुश्मन भी बन जाते हैं। तो ये सब चीज़ों के साथ आपको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है, लेकिन गुड थिंग इज दैट कि जब आपने आप स्टिक रहते हो अपने डिसीजन पर, तो डायरेक्टर के साथ आपकी फाइट होती है, कास्टिंग करेक्ट होनी चाहिए, तो वो उसका जो स्क्रीन पर जब आप देखते हो, तो जब कुछ एक्टर जो आपसे नाराज रहते हैं कि यार हमने भी सोल के ऑडिशन दिया था, लेकिन जब वो फिल्म देखते हैं तो उनके मैसेजेस भी आते हैं, तू सही बोल रहा था, बहुत करेक्ट कास्टिंग थी, आई थिंक ये वाली फीलिंग भी आती है। हाँ, हाँ, और जैसे कि आपने कहा यू नो कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टर्स सहमत नहीं होते और कास्टिंग डायरेक्टर सहमत होता है, आपके साथ कौन सी फिल्म में ऐसा है? बहुत बार हुआ। आई रिमेम्बर जब पंकज भाई ने गैंगस्टर को सुल्तान किया था, तो अनुराग कश्यप को बिल्कुल भी वो एक्टर के बारे में मालूम नहीं था, बोले थे नहीं मुझे जोकले स्टेबलिश एक्टर चाहिए। अनुराग ने ये बात कई लोगों को भी बोले, मेंशन भी किया, तो अगर आप देखेंगे तो मैंने फिर क्या क्या काम करते हैं, आप सुल्तान जो आपको सुल्तान पसंद है उसका भी ऑडिशन कीजिए और पंकज त्रिपाठी का ऑडिशन करते हैं, बोले कौन है एक्टर, नहीं चिल्लर पार्टी में एनएसडी का है, नोनी फ्रॉम एनएसडी दिया, आप उसको टेस्ट कीजिए। तो आई रिमेंबर वो बॉम्बे में नहीं था, वो ऑडिशन देने के लिए आया, तो मैंने फुल डे पंकज के साथ मेरा टेस्ट किया, फिर अदर एक्टर पूरे टेस्ट किया, अब जाके अनुराग को दिखा दिया, तो अनुराग ने पूरा ऑडिशन देखने बोला कि हाँ तो सही बोला, इसके साथ जाते हैं। आई थिंक तो कई बार आपको अपने बिलीफ के साथ लड़ना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है, और कई बार आता था कि बहुत टक्कर के तो बहुत अच्छे एक्टर हो, तो आप 19-20 चलते, लेकिन अब जो भी कैरेक्टर के क्लोज होता है
उसको मौका ज्यादा मिलता है. ऐसा नहीं कि जो टक्कर में था वो खराब एक्टर है, जो जितना नजदीक है उस राइटिंग के, उस फिल्म के स्पेस के साथ, उस डायरेक्टर के विजन के साथ, उसको काम मिलता है. तो आई थिंक अनुराग ने उसी बार, आप सुल्तान, सुल्तान है वो आपके सामने, पंकज त्रिपाठी, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. जो चुर में काय पोचे में गट्टू बस अगेन राजकुमार राव, क्योंकि उसको लगा था कि नहीं यार राज ये अलग स्पेस के फिल्म में क्या है. तो राजकुमार ने एक बार ऑलरेडी टेस्ट दे दिया था, तब ये फिल्म के लिए और के साथ बन रही थी. जब वापस हमारे पास कास्टिंग लिया तो मैंने बोला कि ये राजकुमार राव ही करेक्ट है, तो वो नहीं बिलीव हुआ. तो अभी टेस्ट करके दिखाया तो देन ही अंडरस्टूड. तो आई थिंक यू हैव टू पुट योर फुट डाउन इफ यू बिलीव इन एन एक्टर. एंड एज यू सेड, यू नो कि एक एक्टर को, कास्टिंग डायरेक्टर को समझना चाहिए कि मतलब यू नो उनके हाथ में नहीं होता है. कभी आपको किसी डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर से शिकायत रही है? पहले मैं कास्टिंग डायरेक्टर जो होता है वो जानते नहीं था टर्म होता क्या है, सीरियसली. कि वो तो, और मुकेश और हनी मेरे बचपन के दोस्त हैं, मतलब दिल्ली से जानते हैं. तो वो, मैंने कहा ऐसा होता है, मैं तो इनको देख के कर रहा हूँ, अच्छा ये होता है. मुझे आईडिया नहीं था, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था. मुझे पता है एक बंदा स्क्रीन टेस्ट लेने के लिए बुलाता है. अब वहाँ पे कई बार क्या होती थी, शुरुआत में 2-2.5 साल स्ट्रगल कर करके ये हो गया कि किसी ने बोला 13 हो जाता लेकिन वो आ गया. तो वो कहाँ से आ गया? तो मतलब कुछ कुछ ऐसी बातें ना आपके अंदर डाल, 13 सबसे बेस्ट था. तो वो जो आपके कुछ चंद फोन कॉल्स और थोड़ी सी हल्की सी चिंगारियां लगाने वाले लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं, वो आपको उसमें ले लेते हैं, आप उसमें चले जाते हो. मेरा जस्ट हो गया था, हो गया था यार. और आप पता नहीं किसके लिए क्या क्या धारणा बना लेते हो. बहुत सारे लोग हैं मैं जानता हूँ, और हम भी उन्हीं में से थे. फिर वही मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये करा कि यार जब तक मुझे नहीं हो रहा ना कहीं भी, मैंने भी बहुत सारे ऑडिशन, स्क्रीन टेस्ट दिए सबके, मैंने कहा अगर जब भी नहीं हो रहा तो इसका मतलब कमी मेरे में. मैंने ये मान लिया ना मुझे परेशान करना है किसी को, ना होना है, सिर्फ ये माना मेरे में कमी है. अदरवाइज सवाल ही नहीं है, साइंस ही नहीं है कि कोई मुझे ना ले. तो मेरे में कमी मेरे में, तो मैं इस फिलॉसफी पे आ गया. अब ये थोड़ी बड़ी फिलॉसफी है ना, थोड़ा सा उस पर कि यार ऐसे कैसे यार, हर कमी थोड़ी हो सकती है. इतना बढ़िया तो करता है 50, तू तो ये है वो. मैंने नहीं, कमी मेरे में, कमी मेरे में, कमी मेरे में, ये कर करके आप आते और कुछ हो जाता है. यानी बहुत कम एक्टर ऐसे सोचते भी हैं, जैसे तो मैंने बोला कि बहुत कम लोग ऐसे सोचते हैं अपने आप को एक्सेप्ट कर ले. बिकॉज ये क्राफ्ट के अंदर आकर आपको समझ में आना शुरू हो जाए कि वो सही है गलत करेंगे तो उनको भी नुकसान होगा, फिल्म को भी नुकसान होगा, कास्टिंग डायरेक्टर को भी नुकसान होगा. गलत कास्टिंग करने की वजह से पूरी फिल्म को नुकसान होता है. मतलब एक बंदे को नुकसान नहीं होता, कि डायरेक्टर को भी होगा, प्रोड्यूसर को भी होगा, एक्टर्स को भी होगा, कास्टिंग डायरेक्टर को भी होगा. अगर हम लोग खराब कास्टिंग करेंगे तो हमको कास्टिंग के लिए लोग फिल्म नहीं देंगे. मतलब यही कि सिंपल कि जो पूरी एनर्जी है आपकी, जो आप बीचिंग में या गॉसिप्स में, नेगेटिविटी में या उसमें निकालते हो, वो आपको अपने क्राफ्ट पे डालनी है. और रियल लाइफ में आपको शांत रहना जितना ज़्यादा हो सके, पेशेंस. रियल लाइफ में जो पब्लिकली आप जहाँ पे हो वहाँ पे पेशेंस चाहिए, और जो जितनी भी एनर्जी है वो क्राफ्ट में डालनी है. मुझे अभी बहुत ऐसा काम करना है कि मेरे ऊपर फिल्म बन सके. अभी तो बहुत रास्ता, मंदिर अभी बहुत दूर है. फिर मुझे अभी काम ही करना है और काम करना है. अगर ऐसे ऐसे ऐसी कोई फिल्म आने की सोच रहे हैं तो एक्टर तो रेडी है. बाकी आप शाहरुख भाई को बोलिए कि ये फिल्म प्रोड्यूस कर दें, हमारे ऊपर जो बनने वाली है आप प्रोड्यूस कर दीजिए. तो बस रेशम को बोलता हूँ मैं, राघव और मनीष मंद्रा को बोलता हूँ बना डालिए पिक्चर, एक्टर रेडी है. संजय भाई को बोलेंगे कि वो दूसरा रोल कर लेंगे. अगर कामयाब की बात की जाए तो बैकिंग रेड चिलीज की है, कितना फायदेमंद होता है यू नो अगर एक स्ट्रॉन्ग बैकिंग हो तो? नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत फायदेमंद होती है चीज़ें. मतलब सबसे पहले तो आप देखते हैं जब ट्रेलर लॉन्च होता है तो उसी दिन आपके जो व्यूअर हैं मतलब यूट्यूब पे, वो आपको बता देते हैं क्या है. जब छोटी सी फिल्म होती है अच्छी कंटेंट वाली है, तो आप ही और आपके चंद रिश्तेदारी लगे होते हैं, अरे बहुत अच्छी फिल्म है, पूरी ईमानदारी से बनाई हुई, ये जो चंद लैंग्वेज है कि बहुत ईमानदारी से बनाई है, पूरी शिद्दत से बनाई, ये बहुत प्यारी चीज़ है. लेकिन ये पहुँचती ही नहीं है. अब उस ईमानदारी का क्या फ़ायदा जो अपने तक ही रह जाए, है ना. क्योंकि अब ये दिखाने का मीडियम है ना, ये पहुंचाने का मीडियम है, एंटरटेनमेंट का, पर्दे पे आने का मीडियम. तो उस फिल्म को बैकिंग करना, ये एक सपोर्टिंग एक्टर कहते हैं जिन्हें, या जूनियर एक्टर या एक्स्ट्रा कहते हैं, उन सब के लिए कदर है कि उनको एक रिस्पेक्ट दीजिए. आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये बंदा जो सपोर्टिंग एक्टर है ये लीड में पर्दे पे है, क्या आप देख पाएंगे. लेकिन शाहरुख भाई आएंगे
तो उसके बाद उनको एक रिस्पेक्ट मिले कि हम एक्सेप्ट करते हैं इनको पर्दे पे लीड में. तो ये एक अपने लेवल पे जब आप एक एम्पैथी का भाव रखते हो, सिंपैथी का भाव रखते हो, तो वो आता है. एक कदर का भाव रखते हो, सबसे बड़ी बात है कदर का भाव. नहीं यार, ये इन बंदों की मुझे रिस्पेक्ट है, तो ये उनकी बैकिंग ये दर्शाती है. वरना उनके पास सैकड़ों फिल्में आ सकती हैं, बड़े बजट की, ये वो कहाँ पहुँचाने, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में पहुँचा सकते हैं. लेकिन इसकी बैकिंग सब में एक शाहरुख भाई की कदर बताते हैं इस फिल्म के लिए, और पब्लिक की भी उनके लिए एक कदर. एज अ पर्सन वो कैसे, वो इससे पता चलता है कि वो किस तरह के इंसान है, सबको मालूम है. क्योंकि अच्छा कंटेंट जो है वो सब तक नहीं पहुंचेगा तो उसका कुछ मतलब नहीं है. अगर एक मैसेज ही पहुंचाना है तो मैसेज पहुंचाने के लिए यू नीड अ ग्रेट प्रोड्यूसर टू बैक द फिल्म, यू नीड अ ग्रेट स्टार. और यहाँ पर वो दोनों ही कामयाब फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छी सी बात है. अगर एक कंटेंट लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो लोग देखेंगे कैसे. दीपक भाई ने बोला कि हम घर पर चार लोग बैठ कर देख लेंगे, हम वी आर नॉट मेकिंग होम वीडियोस, वी आर मेकिंग फॉर अदर्स. जब तक वो लोगों तक पहुंचेगा नहीं तो मतलब नहीं होता. और छोटी फिल्म में ये भी आता है कई बार, जब वो जैसे रिलीज होती है ना, उसके चार दिन में पूरी टीम में ही झगड़े होने लग जाते हैं. इसकी वजह से मैं कह रहा था वहां प्रमोट करो, ये अपने में बिचारे वो ऐसे फंस जाते हैं. जब फिल्म अगर ढंग से नहीं करती, यार मैं कह रहा था वहां उस जगह जाना चाहिए, उसने मना कर दिया. मैं कह रहा था इसके पास जाओ, ये नहीं गया. तो आपस में ही, यार रिलीज डेट मैं कह रहा था सही नहीं है, हर एक बंदा उसमें कर लेता है. वो एडिट गलत कर दिया, वो प्रोमो में डालना था, हजार चीजें. और जब हो जाती है तो सब चुप रहते हैं और इंजॉय करते हैं, यार हाँ सपने, यार बहुत सही आइडिया था हर चीज. तो वो वाला जो प्यार और जो मोहब्बत है वो छोटी फिल्मों को भी मिले तो मजा आएगा. मुझे लगता है इस फिल्म को जो मिलने वाला है प्यार मोहब्बत, मुझे अभी से वो जो फीलिंग आती है इस फिल्म को लेकर, तो बहुत ही एक्साइटेड है. बहुत कांट वेट कि आप लोग बताएं कि फिल्म कैसी है. और आइडिया बड़ा है, आइडिया बड़ा है ना. कोई भी फिल्म छोटी बड़ी नहीं है. दर्शक वर्ग के हिसाब से जो एक क्राइटेरिया बना हुआ है छोटी बड़ी फिल्म के डिसाइड करने का, या बजट के हिसाब से, वो नहीं है. आइडिया फिर भी आइडिया है. ऐसी फिल्में कई बार आप देखेंगे कि एरोप्लेन में जो लोग बड़े सफर पे जाते हैं वो कोई भी सुपरहिट फिल्में नहीं देखते हैं. वो ये देखते हैं, यार ये क्या चीज है, ये कमाल का आइडिया है. चाहे उनके कुछ भी, यार क्या क्या ये क्या मिस कर दिया ये क्या. और वो एंजॉय करते हैं हर एक के. मैंने देखा हुआ है वॉशरूम जाते समय, यहाँ पे कुछ अलग फिल्म चला रखी किसी इंडियन ने, उस पे कोई और चल रही है, इस पे कोई और. तो वो टेस्ट भी आपको दिखता है कि नहीं यार, लोगों के अंदर अलग अलग किस्म के टेस्ट डेवलप हो रहे हैं. लेकिन सोसाइटी में एक ऐसा एम्फेसिस और इन्फ्लुएंस है कि जिक्र सिर्फ चंद लोगों का होता है ना. तो लेकिन वो पर्सनल टेस्ट डेवलप हो रहे हैं. तो खैर, तो अभी ऑफिस आके पता चला है कि हार्दिक ने पूरा कैरेक्टर यहाँ से लिया, पूरा चश्मा, बात, वाह. तो मुकेश सर पहले से जानते, तो मैं एक बार बता रहा था कि जो लाफ्टर है, लाफ्टर वाला मैं थोड़ा, वो मुकेश खुल के बाहर हंसता है पूरा. मैंने कहा रखूं, नहीं नहीं यार वो ज्यादा हो जाएगा, फिर तो वो लगेगा यार डायरेक्ट. पर यहाँ आया अभी ऑफिस में तो ए टू जेड. मैंने कहा ये तो चीटिंग यार, बताया नहीं उसने पूरा. नहीं मतलब कुछ दो तीन दिन पहले मुझे मिले थे हाउस के बाहर. हाँ, मैं कुछ कर रहा हूँ तेरे को बता. हाँ हाँ तेरे को. हाँ वो तो अब मुझे जब रिलेट होता कि अरे बाप रे, मतलब ये कब आकर पूछा की मुझे बोला की फोन आया की आप एक फिल्म में जो कास्टिंग है वो आ रही है, उसमें आपको ये सपोर्ट करना है, उसमें थोड़ा आपका हिंट है. तो मुझे जब ये पता लगा और जब दीपक भाई ये रोल कर रहे हैं तो मुझे समझ इन्होंने कुछ मैजिक तो किया होगा. मुझे ये बात आज ही अच्छी से पता लगी है. अब मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत ही उतावला हूँ उस फिल्म को देखने के लिए कि मैंने कैसा काम किया उसने. तो कास्टिंग देने के लिए इतने परेशान होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज है. टेल मी लाइक किस तरीके से ये होगा. आई थिंक वो मुझे हमेशा लोग बोलते हैं कि वो मैं अभी स्ट्रगलिंग से थोड़ा सा परेशान होता हूँ क्योंकि वो एक प्रोसेस है. लेकिन कुछ परिस्थितियों के वजह से और फाइनेंशियल के वजह से लोग बॉम्बे नहीं आ सकते हैं. और मैं दिल्ली शहर में इतना टैलेंट है, बहुत सारे एक्टर जो आप देखते हैं इंडस्ट्री के अंदर, कितने लोग दिल्ली नॉर्थ से आए हैं. हर आदमी यहाँ नहीं आ सकता. अगर मेरे अंदर अभी इतना अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैंने वो ऑफिस दिल्ली में खोला है ताकि जितने भी एक्टर रेगुलर वहाँ पे जाके ऑडिशन दे. आजकल जमाना ऐसा हो गया कि आप शूटिंग बॉम्बे में कम होती है,
हिंदुस्तान के हर कोने में होती है यार, एक्टर कहीं भी हो, इस हिंदुस्तान में हर शहर में इतने टैलेंटेड लोग हैं, वो यहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, तो हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। इसलिए मैंने वो दिल्ली में ऑफिस खोला है और चंडीगढ़ में ऑफिस खोला है। तो जितनी भी सपोर्टिंग और अच्छे एक्टर एक्टर हमको मिलेंगे, जितनी सपोर्टिंग कार्ड अच्छी मिलेगी, वो और टैलेंटेड इंडस्ट्री के अंदर आए और उन लोगों को नई चारों को और मौका मिले। इस वजह से मैंने ऑफिस वहाँ पर खोले हैं, फिर उसके बाद लखनऊ, उसके बाद भोपाल और फिर जगह जगह इसको बनाने की कोशिश है। ओके दीपक, इसके बाद एक और फिल्म है लाइन विडो, इरफान खान सर के साथ में फर्स्ट फिल्म, अब फिर एक और फिल्म के साथ में, यू नो दोबारा इतना टाइम हो गया फर्स्ट फिल्म करके और इस वक्त अब फिल्म करके, अपने आप में कितना चेंज देखा एज एन एक्टर और उनमें एज एन पर्सन कितना चेंज देखा? बहुत 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 चीजें हैं इसमें, तो बड़े विस्तार से बात हो सकती है, और पर ये एक अच्छी बात है कि दोनों ने ग्रो किया, उन्होंने किसी और लेवल पे ग्रो किया है, मैं कहीं तक पहुंचा हूं, है ना। लेकिन जो हमारा प्यार है वो और डबल हो गया है हम दोनों का, पहली फिल्म से मकबूल से लेके यहाँ तक। और जो हमने काफ़ी सारी शेयरिंग की वहाँ पे लंदन में थेम्स के किनारे बैठ के, क्रिकेट वर्ल्ड कप हमने टीवी पे साथ देखा, शूटिंग साथ की सुबह से लेके रात तक, तो काफ़ी सारी शेयरिंग हुई है। और इसके बाद जब कोई फिल्म आएगी तो आप देखेंगे एज एन एक्टर मैंने भी कुछ ग्रो किया है इरफान भाई की संगत में रह के, तो मजेदार, बहुत प्यारा था, कभी फुर्सत से बताऊंगा। ब्रोमांस वाली बात भी तो बाहर आ रही है। जी 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 जी, ब्रोमांस तो हर जगह है, हमारा भी है, मतलब हम तो सालों साल जब मिलते हैं तो ब्रोमांस ही होता है, तो वो है, मजेदार है। उसकी कुछ अलग शेड्स हैं जो पूरा इंडिया रिलेट करेगा, उसकी झलके कुछ आप टीजर्स जो आ रहे हैं प्रोमो डायलॉग प्रोमो उसमें देख सकते हैं। कामयाब 6 मार्च को आ रही है आपके नजदीकी सिनेमा घरों में, प्लीज सब परिवार जाइए, देखिए, एंजॉय कीजिए, और अपने जो सपोर्टिंग एक्टर या जूनियर आर्टिस्ट बोलते हैं जो स्ट्रगलर एक्टर, उनके प्रति अपनी रिस्पेक्ट दिखाइए, उनसे रिलेट कीजिए और उनका दर्द समझिए, उनका सुख समझिए, उनका पैशन समझिए, उनको आपकी मोहब्बत की जरूरत है। तो 6 मार्च को आइए, ये फिल्म को देखिए, क्योंकि आपको भी समझ में आएगा कि हम किस तरह से लाइफ को जीते। थैंक यू सो मच।